नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि काली लिनक्स में जीनोम डेस्कटॉप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल जीनोम डेस्कटॉप ऑन काली लिनक्स। काली लिनक्स में जो करंट में डेस्कटॉप आ रहा है वो XFC डेस्कटॉप एनवायरमेंट आ रहा है। इसमें क्या है कि इस तरह से रहता है, आप देखेंगे स्क्रीन पे, और यहां से कोई भी सर्च करेंगे आप, हाइड्रा है, हैश कैट है, वॉट एवर जो आप सर्च करेंगे और यहां से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ये एक एनवायरमेंट है काली लिनक्स के लिए जो करंट में डिफॉल्ट एनवायरमेंट आ रहा है जिस पे काली लिनक्स को बनाया गया है। यानी कि जब काली लिनक्स को बनाया गया था उस समय उसके अंदर जो डिफॉल्ट एनवायरमेंट ऐड किया था वो था जीनोम एनवायरमेंट। जीनोम एनवायरमेंट में आप देखिए, अब आपको कौन सा पसंद है, आपको जीनोम एनवायरमेंट पसंद है या XFC पसंद है, आप तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा आपको ज्यादा पसंद है। अगर आप काली लिनक्स को यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर XFC एनवायरमेंट आपको मिलेगा डिफॉल्ट, लेकिन जीनोम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जीनोम लवर हैं तो उसके अंदर आप जीनोम को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि दो तरीके हैं, एक तो जब आप काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हो एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द काली लिनक्स, आपके पास ये ऑप्शन आते हैं कि सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का एक ऑप्शन आता है जहां से आप जीनोम को सेलेक्ट कर सकते हो। XFC से आप अनचेक करके जीनोम पे चेक कर दीजिए, और जीनोम पे चेक करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो जीनोम जो है बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरमेंट आपके कंप्यूटर में काली लिनक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने यहां पर XFC किया हुआ है यानी डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरमेंट पे चेक करके ही इसको इंस्टॉल किया है, और उस समय उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि जीनोम एनवायरमेंट आप काली लिनक्स में यूज कर सकें, अब क्वेश्चन ये है कि आप जीनोम एनवायरमेंट कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए टर्मिनल को, और ओपन करने के बाद यहां से स्टार्ट हो गया आपकी जर्नी। सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है। दैट्स गुड, आप देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी है कंप्यूटर में। और दूसरा ये देखना है कि रेपोजिटोरी कॉन्फिगर है या नहीं है, तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं sudo etc के अंदर, apt के अंदर, और वहां पर एक, तो यहां पर आप देखिए कि मैंने यहां पे ऐड किया हुआ है रेपोजिटोरी को, तो ये रेपोजिटोरी आपके इसमें ऐड होनी चाहिए। तो दो चीजें आपको चाहिए इंस्टॉल करने से पहले, एक तो रेपोजिटोरी आपकी ऐड होनी चाहिए और दूसरी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब चलते हैं, सबसे पहले हम इसको अपडेट करते हैं, अपडेट रेपोजिटोरी की जो पैकेज लिस्ट है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो apt get कमांड का यूज कर सकते हो या फिर apt का कमांड यूज कर सकते हो, बोथ कमांड कैन बी यूज्ड। तो मैं यहां पर apt का यूज कर रहा हूं, और apt के बाद आप इसमें अपडेट कमांड रन कर दीजिए, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये वहां से लेटेस्ट हेडर्स हैं उनको डाउनलोड करके एक पैकेज लिस्ट क्रिएट कर लेगा लोकली। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है जीनोम डेस्कटॉप। जब जीनोम डेस्कटॉप आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए कमांड है apt इंस्टॉल काली डेस्कटॉप जीनोम। ठीक है, यहां पे मैंने पहले से इंस्टॉल किया है तो ये दिखाएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब आप इसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उस समय यहां पे देखिए जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला होगा, तो आपसे ये पूछेगा कि डिस्प्ले जो मैनेजर डिफॉल्ट है वो आप कौन सा रखना चाहते हैं, GDM3 या LightDM। देखिए GDM3 जो है स्लो सर्वर है, ये मोस्टली Ubuntu इसका यूज करता है, तो और LightDM जो है काफी स्मूथ और फास्ट है GDM3 की अपेक्षा, तो आप LightDM करके यहां पर ओके कर दीजिए। और इस तरह से जब आप इसको ओके कर देंगे तो आप जीनोम आपके इसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपके पास दोनों डेस्कटॉप हो गए। आप देखिए यहां पर जो मैं लॉग इन हूं वो XFC इस समय यूज हो रहा है एनवायरमेंट, और दूसरे टाइम में मैं जब लॉग इन करूंगा तो वहां पर जीनोम इंटरफेस होगा। देखिए डिफॉल्ट जो है XFC ही है जब तक आप उसको जीनोम में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक।
इसको मैं लॉग आउट करता हूं, और लॉग आउट करने के बाद यहां पे देखिए आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, और यूजर नेम और पासवर्ड देने के लिए आपके पास यहां पर आपको स्क्रीन पे यूजर नेम और पासवर्ड देना है लॉगिन करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी सेलेक्ट करना है। बेसिकली जो डिफॉल्ट यहां से आप कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, यहां पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि जीनोम है, जीनोम क्लासिक है, जीनोम ऑन एक्स और जी है, और एक्सएफसी सेशन है। तो डिफॉल्ट सेशन पे अभी क्लिक है और डिफॉल्ट ही खाली लिनक्स अभी यूज कर रहा है। हम यहां पर कन्वर्ट कर देंगे जीनोम क्लासिक या फिर जीनोम ऑर्ग यूज करेंगे। जीनोम को मैं करके लॉग इन करता हूं। जीनोम, जीनोम क्लासिक और जीनोम ऑन एक्सओआरजी में ये डिफरेंस है कि जो जीनोम है वो डिफॉल्ट होता है और जो वेलैंड पे रन करता है, ठीक है। एक्स वेलैंड नाम की एक एप्लीकेशन होती है जिसके द्वारा ये रन करता है, लेकिन जीनोम ऑन एक्सओआरजी कहते हैं तो वो जॉर का यूज करता है, ठीक है। तो और यहां पर जीनोम क्लासिकल का भी आप यूज कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी जीनोम का सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, और सेलेक्ट करने के बाद उसको एनवायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, सारे में डिफरेंट डिफरेंट लुक आएगा, लेकिन बेसिकली बहुत सारा सिमिलर है। यहां पर आप देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ है जीनोम एनवायरमेंट में, ये देखिए अब मैं इस समय जीनोम को यूज कर रहा हूं। यू कैन सी हियर जीनोम, अगर आप वाकई में जीनोम लवर हैं तो आप दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो जब एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि फिर आपका डिफॉल्ट जीनोम ही रहेगा। और इसके बाद दूसरा है कि आप एक्सएफसी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास दोनों ही ऑप्शन है किस तरह से आपको, और इसको अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत ही इजी है, सूडो करके इसको एपीटी और रिमूव कमांड यूज होती है रिमूव करने के लिए, और आप उसको काली लिनक्स का डेस्कटॉप और उसके बाद जीनोम इस तरह से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। सेम अगर आप एक्सएफसी को अनइंस्टॉल करना चाहते हो परमानेंटली, तो आप एक्सएफसी को परमानेंट के लिए रिमूव कर दोगे, ठीक है। जब आप इस तरह से रिमूव कमांड यूज कर लोगे, रिमूव कमांड यूज करने के बाद आप इस कमांड को रन जरूर करना, ऑटो रिमूव sudo apt और इसके बाद ऑटो रिमूव कमांड यूज करना। ऑटो रिमूव क्या है, जो इसमें इंस्टॉल्ड पैकेज हैं, अनयूज्ड पैकेज, उनको रिमूव कर देगा आपकी लिनक्स मशीन से, और आपकी लिनक्स मशीन पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। यानी जो डिपेंडेंसी यूज होती हैं एक्सएफसी जीनो एक्सएफसी डेस्कटॉप एनवायरमेंट के लिए, वो सारी रिमूव हो जाएंगी। अगर आप जीनोम को रिमूव कर रहे हैं तब भी ये कमांड रन करना है, जिससे कि जो भी डिपेंडेंसी रह गई है आपके कंप्यूटर में वो डिपेंडेंसी ऑटो रिमूव हो जाएंगी। यानी कि जो अनयूजफुल यूटिलिटी इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में वो रिमूव हो जाएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।